चलिए विस्तार से खबरें। इंदौर से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई ने सरेंडर किया। नाना पटवारी ने थाने में किया सरेंडर। आपको बता दें नाना पटवारी को जेल भेजा गया। किसान आंदोलन में स्थायी वारंटी था, नाना पटवारी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई ने सरेंडर किया। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई ने सरेंडर किया है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कब किया है नाना पटवारी ने सरेंडर? जी बिल्कुल, कल रात को नाना पटवारी ने सरेंडर किया। ये पूर्व में फरार कर रहा था 307 के मामले में, जो इनमें कई लोगों पे कातिलाना हमला किया था। किसान आंदोलन समय की बात है, उसी समय से 2-3 साल से ये फरार कर रहा था। कल ही शाम राजेंद्रनगर थाना में नाना पटवारी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसके साथ कई इसके 3 साथियों ने भी सरेंडर किया है। बिल्कुल, इसके अलावा और क्या जानकारी है? क्या पूरा मुकदमा इसके ऊपर चल रहा था? बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में ये स्थायी वारंटी था, पूरा मामला क्या था? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन के समय ये कई लोगों से इनका विवाद हुआ था। विवाद करने के बाद इन्हें कईयों पर हमला कर दिया था, जिससे कई लोग घायल हो गए थे। और उसी के बाद से जब इस पे केस चल रहा था, तो 3 साल से यह फरार चल रहा था। फरार करने के बाद कल इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वहीं पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, वहां से इसे जेल भेज दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष।